ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए परीक्षा पे चर्चा, तनाव मुक्त होकर करें परीक्षा की तैयारी। इसमें भाग ले रहे हैं शिक्षाविद डॉक्टर जे एस राजपूत और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। शिक्षा व्यवस्था में मूल्यांकन का एक तरीका परीक्षाएं होती हैं, लेकिन परीक्षाओं को लेकर तनाव, डर, इससे विद्यार्थी प्रभावित होते हैं। विशेष रूप से शिक्षा बोर्डों की 10वीं 12वीं की परीक्षाओं और अब क्योंकि प्रतिस्पर्धा का दौर है, तो इस दौर में प्रवेश परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों के मन में कई कारणों से तनाव और डर पैदा हो जाता है। विद्यार्थी तनाव मुक्त होकर अपनी तैयारी करें, इसे लेकर प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई, परीक्षा पर चर्चा, जिसमें प्रधानमंत्री विद्यार्थियों के साथ सीधा संवाद करते हैं। इस बार 1 अप्रैल को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। आज हम कार्यक्रम में परीक्षाओं पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं शिक्षाविद डॉक्टर जे एस राजपूत के साथ। डॉक्टर राजपूत, स्कूली शिक्षा में परीक्षाओं को लेकर पीयर प्रेशर, माता पिता की अपेक्षाएं और दूसरे इस तरह के कारण कैसे परीक्षाओं को तनाव भरा माहौल पैदा करते हैं? कौन से कारण हैं जिससे तनाव विद्यार्थियों के मन में होता है? सबसे बड़ा कारण जो विद्यार्थियों को तनाव देता है वो अब सारे देश में सभी जानते हैं और बच्चों से अधिक उनके माता पिता जानते हैं। होता यह है कि हर बच्चे की इच्छा होती है कि कक्षा 12 के बाद वो किसी व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश ले ले, जो विशेष रूप से वे सरकार द्वारा चलाए जाते हैं या वे जिनकी प्रतिष्ठा चारों तरफ बहुत है। ये सबसे बड़ा कारण है। और इसी के साथ दूसरा है कि जो उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं वो बच्चे जानते हैं कि कुछ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में जहां केवल 12वें के अंकों के आधार पर प्रवेश होता है, 100% अंक प्राप्त करने वाले बहुत से विद्यार्थी आ जाते हैं। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले ये असंभव था सोच पाना कि 95.5% पाने वाला विद्यार्थी किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं पाएगा। आज 98.5 पाने वाला नहीं पाता है, 99.5 पाने वाला मुश्किल से पाता है। ये स्थिति बनी है। इस स्थिति के बनने के अनेक कारण हैं। अतः मैं कहूंगा कि प्रतिस्पर्धा एक बहुत बड़ा कारण है। एक और कारण है जिसपे चर्चा नहीं हो पाती है, वो है स्कूलों में अध्यापकों की कमी। विश्वविद्यालयों में तो कमी हम लोग अक्सर सुनते हैं, लेकिन हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता कि बहुत से स्कूलों में अध्यापकों की कमी होती है। जितना छात्र अध्यापक अनुपात अपेक्षित है वो नहीं हो पाता, तो विद्यार्थी की तैयारी भी नहीं हो पाती। और तीसरी इसका कारण ये क्यों बनता है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी कोचिंग संस्थाओं में 12वें के 4-3 साल पहले से जाने लगते हैं, ट्यूशन तो बहुत पहले शुरू हो जाता है। तो ये भी एक कारण है। प्रशिक्षित नियमित अध्यापकों की स्कूलों में कमी भी एक कारण है जो तनाव पैदा करता है। और इस सारे तनाव में विद्यार्थी जब होता है तो उसे डर लगता है कि कैसे वो आगे चलकर अपनी शिक्षा प्राप्त करेगा या किसी अच्छे संस्थान में प्रवेश पा सकेगा जहां व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलता हो। मैं समझता हूँ ये मुख्य रूप से यही कारण है तनाव के। डॉक्टर राजपूत, क्योंकि आप एक शिक्षाविद हैं, तो नई शिक्षा नीति के संबंध में आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि परीक्षा को लेकर मूल्यांकन का तरीका किस तरह से व्यावहारिक होगा, किस तरह से थोड़ा बदलेगा और विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी को लेकर कैसे आने वाले समय में तैयार रहे। नई शिक्षा नीति में क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेंगे? नई शिक्षा नीति में जिन लोगों ने नीति बनाई है या जिन लोगों ने उसमें भाग लिया है वे सभी लोग इन समस्याओं से परिचित हैं। अतः उन्होंने इस प्रकार का सारा प्रयास किया है कि मूल्यांकन के लिए जो तैयारी होती है उसको देखा जाए कि कैसे होती है। अभी भी हम जानते हैं कि बहुत सालों से प्रयास हो रहा है कि बच्चे की पूर्ण प्रतिभा का मूल्यांकन किया जा सके, लेकिन हमारी परीक्षाएं अधिकतर बच्चे जो याद कर सके, जो उनकी किस्मत में बैठ जाए, ऐसे प्रश्न अभी भी पूछती हैं। इसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा किया जा रहा है कि ये चीजें समाप्त हों, बच्चे ने क्या पढ़ा है, क्या याद किया है के स्थान पर बच्चों ने क्या सीखा है, उनकी उन प्रतिभाओं का कैसे कैसे विकास हुआ है जो आगे चलकर उन्हें सहायता करती है। मैं इसको यूं समझाता हूँ, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि हर बच्चे को 2 वरदान मिलते हैं जन्म के समय और ये बराबर से मिलते हैं, कोई बच्चा इसमें कोई अलग नहीं होता। वे हैं विचारों की शक्ति और संकल्पना की शक्ति, आइडियाज एंड इमेजिनेशन। इस पर समस्या ये है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था लगातार प्रयास करती है ये दोनों कुंद हो जाए, यही पाठ पढ़ना है, ऐसे ही उत्तर देना है। बच्चे की जो कहते हैं ना स्वायत्तता समाप्त हो जाती। नई परीक्षा प्रणाली प्रयास ये करेंगी कि बच्चे की स्वायत्तता हो, जो उसके रुचि के विषय हैं उनको वो पढ़ सके। आइंस्टाइन ने एक बार लिखा
कि मेरा बस चले तो मैं हर बच्चे को केवल दो विषय पढ़ाऊंगा, म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स, और बाकी सब कुछ इसी से आ जाएगा। अब हमारे यहाँ कोई बच्चा चाहे तो फिजिक्स के साथ फिलॉसफी पढ़ सकता है, केमिस्ट्री के साथ वो दर्शन शास्त्र पढ़ सकता है, अपनी इच्छानुसार ले सकता है। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। और दूसरा, परीक्षा पद्धति में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, परीक्षा कितनी बार होती है, और स्कूल में अध्यापकों के द्वारा जो मूल्यांकन होता है उस पर अधिक से अधिक विश्वास किया जाए, ऐसे अनेक सुधार नई शिक्षा नीति में प्रस्तावित किए गए हैं। और मैं समझता हूँ इनके द्वारा जब हम इनके साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों का तनाव कम होगा। और एक दूसरी बात भी है कि जब माता पिता इस बात को समझ जाएंगे कि ये कोचिंग संस्थान बच्चों की प्रतिभा का विकास नहीं करते हैं, वे उन पर अनावश्यक दबाव डालते हैं, और जब ये समझ समाज में बढ़ेगी, जैसे जैसे शिक्षा की प्रचार प्रसार हुआ है, समझ बढ़ी भी है, इसके और बढ़ने की आवश्यकता है, ये भी आगे चलकर बच्चों के लिए सहायक हो सकता है। डॉक्टर राजपूत, प्रधानमंत्री ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी एग्जाम वॉरियर्स, और इसकी खूब चर्चा हुई। इसमें उन्होंने, जैसा कि एक इस पुस्तक का लबोलबाब देखें, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा को लेकर एक नई सोच पैदा करने की जरूरत है, और परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से भी वो एक तनाव मुक्त वातावरण बनाने की बात कहते हैं, और किस तरह विद्यार्थी परीक्षा को लेकर तैयार रहे उन्हें टिप्स देते हैं। तो ये प्रधानमंत्री के कदम और सरकार की जो अब सोच है वो किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने में और परीक्षाओं को लेकर एक नई सोच पैदा करने में प्रेरणा दे रही है और नया वातावरण पैदा करने की दिशा में एक कदम साबित हो रही है। देखिए, किसी इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष से ही परीक्षा के तनाव को लेकर के इतना समय दिया हो, बच्चों से संवाद किया हो, पुस्तक लिखी हो, ऐसा विश्व में कहीं नहीं हुआ। सबसे पहले तो यह है कि बच्चों को इस बात से अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि देश का प्रधानमंत्री भी उनकी समस्या के बारे में सोचता है। तो निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था, राज्यों के शिक्षा मंत्रालय इस पर गहन विमर्श कर रहे हैं, और विशेष रूप से विशेषज्ञ भी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि कैसे तनाव मुक्त हुआ जा सके। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं वे इतनी स्वीकार्य हैं, सारे देश में उनकी प्रशंसा होती है, और हर अध्यापक इस बात के लिए सतर्क हो गया है कि वो बच्चे को कैसे पढ़ाए, कैसे प्रश्न पूछे, कैसे उसके विचारों की शक्ति और संकल्पना की शक्ति का विकास करे, क्योंकि जब ये दोनों विकसित हो जाएंगे शिक्षा के द्वारा तो बच्चे की जिज्ञासा को प्रचार प्रसार मिलेगा। और जिज्ञासा, विचार और संकल्पनाएं, ये तीन जब बढ़ते हैं तो सृजनात्मकता बढ़ती है, और जब सृजनात्मकता अगर स्कूलों विश्वविद्यालयों में बढ़ेगी तो नवाचार बढ़ेंगे। और सभी जानते हैं कि आगे बात बहुत पहले से कही जा रही है कि भविष्य के साम्राज्य ज्ञान के साम्राज्य होंगे। अब जो इस समय नॉलेज इकोनॉमी की बात होती है, वे ही देश आगे बढ़ेंगे जहाँ की बौद्धिक संपदा अधिक होगी, यानी जहाँ हर बच्चे को प्रतिभा को विकसित होने का अवसर मिलेगा, जहाँ किसी एक विषय में उसे जबरदस्ती नहीं पढ़ना पड़ेगा, जहाँ माता पिता का दबाव नहीं होगा कि तुम्हें मेडिकल में ही जाना है और कहीं नहीं जाना है। ये भी एक तनाव का कारण रहा है जो आप सब लोग जानते हैं कि कई माता पिता चाहते हैं कि अगर वे इंजीनियर नहीं बने तो उनके बच्चे जरूर बने। अब बच्चा भले ही म्यूजिक में रुचि ले रहा हो, नई शिक्षा पद्धति देश को इसके लिए तैयार कर रही है कि बच्चों को अपनी इच्छानुसार जिस विषय में उसकी प्रतिभा है, नैसर्गिक प्रतिभा है, उसे रोका न जाए, उसे बढ़ने दिया जाए। और सबसे बड़ी चीज जो इसमें सहायता देगी वो ये है कि हर बच्चे को पूरा अधिकार है कि वो उसकी प्रतिभा विकसित होने में अध्यापक भी उसके लिए तैयार हो, उसका प्रशिक्षण अच्छा हो, समय समय पर उसे सेवाकालीन प्रशिक्षण मिलता रहे। और नई तकनीकी को लेकर के हमारे अध्यापकों ने जो कोरोना के समय में अपनी प्रतिभा दिखाई है, उससे भी बच्चों में विश्वास पैदा हुआ है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि परीक्षा पद्धति में इतना सुधार कर लेगा, अध्यापकों को प्रशिक्षित कर सकेगा, और माता पिता भी इसमें सहयोग देंगे, बच्चे पर अनावश्यक दबाव नहीं डालेंगे। डॉक्टर राजपूत, आप कार्यक्रम में जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे परीक्षा पे चर्चा, तनाव मुक्त होकर करें परीक्षा की तैयारी। इसमें भाग ले रहे थे शिक्षाविद डॉक्टर J.S. राजपूत और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNHDTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।